देखो अब ट्रांजिशंस के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एनिमेशंस का, ठीक है। देखो ट्रांजिशंस आपके पास अप्लाई होती है स्लाइड के ऊपर, मतलब ऐसे इफेक्ट्स जो अप्लाई होते हैं किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, वो ट्रांजिशंस कहलाते हैं। एनिमेशंस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब जिस तरह अभी हमने स्लाइड देखा ना कि स्लाइड के ऊपर किस तरह से इफेक्ट्स अप्लाई किया, अब मैं वही एनिमेशन के तौर पे मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इस हेडिंग के ऊपर, ये जो टाइटल है मेन टाइटल, मुझे इसके ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जैसे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये एनिमेशन के जितने भी ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अभी बाहर आता हूँ तो देखो ये सारे ऑफ है, देख रहे हो ये डिसेबल है। लेकिन जैसे ही मैं अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये फॉरन इनेबल हो गए, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो, बहुत सारे आपके पास स्टाइल्स हैं, ठीक है, इफेक्ट्स हैं एनिमेशन के। आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ ये बाउंस, ठीक है। मतलब ये जो एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन की हेडिंग है ना, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर कौन सी एनिमेशन अप्लाई हो जाए, बाउंस की, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो किस तरह से आपकी हेडिंग अपेयर हुई है, ऊपर से नीचे बाउंस होके आई है, ठीक है। फिर इसी तरह ये जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटर लिखा है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई और अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो इस तरह से आपकी ये अपेयर हुई। फिर इसी तरह सेकेंड स्लाइड पे आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं, अब ये मेरी जो कोर्सेज की स्लाइड है, कोर्सेज का ये जो टाइटल है, मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई और अप्लाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जूम, ठीक है, ये देखो इस तरह से ये अपेयर होगी। अच्छा फिर जो कोर्सेज के नाम है, फॉर एग्जाम्पल इन सबको मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इन सब पे मैं एक ही इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये स्पिन, ये देखो, ठीक है, मतलब ये इफेक्ट अप्लाई हो गया इसके ऊपर, सही है। इसी तरह अब आपकी मर्जी है, अब अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसको स्लाइड शो करके आपको दिखाऊं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास, अभी देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा, अभी मैंने टाइमिंग सेट की हुई है ना, सही है, जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की थी, ठीक है, तो ये खुद ही मूव हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि का मतलब टाइमिंग सेट ना हो तो आप ट्रांजिशन में जाके क्या करोगे, यहाँ पे आफ्टर पे चेक हटा के किस पे चेक लगा लोगे, ऑन माउस क्लिक पे, तब आपका क्या होगा, आपके पास वापस माउस क्लिक के ऊपर या आपके जो कीबोर्ड में एरो कीज होती है उसकी मदद से आप आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ लो कि ट्रांजिशन अप्लाई होती है स्लाइड के ऊपर और एनिमेशन अप्लाई होती है स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर, सही है, क्लियर है।